वेलकम दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय प्रथम, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। और आज उसमें भी हम किस टॉपिक को लेकर चलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हम रासायनिक जो समीकरण हैं उनको किस प्रकार संतुलित करेंगे। जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला नियम आपके पास क्या होता है, आपको लिखना होता है शब्द समीकरण। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको एक अभिक्रिया दी, अभिक्रिया में मैंने आपको क्या दिया, लोहा अभिक्रिया करता है जल के साथ और फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और जो फेरिक ऑक्साइड बनाता है उसका सूत्र आपके पास क्या दिया हुआ है, Fe3O4, वह हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को संतुलित करके लिखिए। अब जैसे मैंने पहला नियम आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, शब्द समीकरण, अब इसको शब्दों में आप कैसे लिखेंगे, लोहा जमा में जल यानी कि पानी आपको क्या दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में यहां पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। दूसरा, अब यहां पर आपको किस नियम को ध्यान में रखना है कि आपके पास जो ये समीकरण आया शब्दों के रूप में, इसको अब आपने किस में लिखना है, चिन्ह लगाकर और साथ में इनका सूत्र लगाकर, जिसको हम नाम क्या देंगे, रासायनिक समीकरण। मतलब शब्द समीकरण को आपने किस में बदल देना है, रासायनिक समीकरण के अंदर। लोहे के लिए आपके पास चिन्ह क्या होता है, Fe। जल के लिए आपके पास सूत्र क्या है, H2। ओ, फेरिक ऑक्साइड के लिए आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है इसका सूत्र क्या है, Fe3O4, और हाइड्रोजन का सूत्र आपके पास क्या होता है, H2। अब इस समीकरण में आपने एक सारणी बनानी है, वो सारणी क्या बनानी है, ये आपके पास हमारा तीसरा स्टेप रहेगा, तीसरा चरण रहेगा इस समीकरण को संतुलित करने के लिए। और वो आपके पास क्या आएगा, तीसरा चरण आपके पास, आपने इस तरह से एक सारणी बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड, यानी कि ये दाईं ओर परमाणुओं की संख्या और लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर परमाणुओं की संख्या। जैसा अब आपको इस समीकरण में नजर आ रहा है, Fe के परमाणु अभिकारक की तरफ यानी कि हमारी बाईं ओर कितना है, एक, दूसरा दाईं ओर यानी के उत्पाद की ओर आयरन आपके पास कितना है, तीन, Fe कितना है यहां पर आपके पास, तीन। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन यहां पर कितना है, दो, यहां हाइड्रोजन आपके पास कितना है, दो, ऑक्सीजन आपके पास बाईं ओर कितना है, एक, और आपके दाईं ओर ऑक्सीजन कितना है, चार। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए ये कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपने क्या करना है, किसी भी छोटी पूर्णांक के साथ यानी कि छोटी संख्या के साथ इनको क्या करना है, गुणा करना है, ताकि दोनों तरफ जो आपके पास परमाणुओं की संख्या है वो कैसी हो जाए, बराबर। जैसे
अगर मैं हाइड्रोजन को देखती हूँ तो दोनों तरफ बराबर है, हमें इनको छेड़ने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं जो लोहो है आपके पास, आयरन है, उसका कितना है परमाणु, एक, इधर कितना है, तीन। तो मैंने इसको गुणा कितने से कर दिया, तीन से, मतलब आप अपनी बाई ओर यहाँ पर क्या लगा दोगे, तीन, दोनों तरफ बराबर हो गए। हाइड्रोजन अब आपके पास कितना है, दो दो, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास इधर उत्पाद की ओर दाई ओर कितना है, चार, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, चार, यानी के बाई ओर हमने कितने से गुना कर दिया, चार से। लेकिन जैसे ही आपने चार से गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार दुनी आठ, तो आपको यहाँ भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, आठ। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, गुना में कितना हुआ, चार, तो आठ, तो यहाँ पर कितने से गुना करना होगा मेरे को, चार से, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए हमने चार। जैसे ही आपने इस तरह से किया तो आपके पास दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी और आपके पास जो रासायनिक समीकरण आएगा वो क्या बनेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपने जिस विधि का प्रयोग किया वो विधि है हिट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हमने क्या किया है, समीकरण को संतुलित, इसीलिए इस विधि का नाम क्या हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल विधि। अब हमें क्या याद रखना है कि जो आपके पास संतुलित समीकरण आया वो क्या आया था आपके पास, एफ ई तीन थे, पानी आपके पास चार मॉलिक्यूल थे और आपके पास संतुलित समीकरण लिखा मैंने ये। इस संतुलित समीकरण को ज्यादा सूचनात्मक बनाने के लिए, यानी कि ज्यादा सूचना पूर्ण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपने इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी संकेत में लिखना है। क्या कहा मैंने आपको, भौतिक अवस्थाओं को संकेत के माध्यम से अंकित करना, अंकित करने का मतलब क्या है, लिखना। जैसे लोहा जो हमने यहां पर लिया, Fe जो यहां पर हमने लिया वो कैसा लिया, ठोस, ठोस है तो S लगा देंगे, द्रव है यानी कि लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिख देंगे, अगर आपके पास वो गैस के रूप में है तो क्या लगा देंगे, G। साथ में अगर किसी ने जल के साथ अपना घोल बनाया है, यानी कि अगर किसी का जलीय घोल है या हम क्या कह सकते हैं वो विलयन के रूप में है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, AQ। AQ कहाँ से आया है, अंग्रेजी से आया है, एक्वस, और इसका मतलब क्या होता है आपके पास, जलीय। तो अगर कोई अपने विलयन की फॉर्म में है तो ब्रैकेट में हम क्या लगा देंगे, AQ, मींस वो क्या है आपके पास, जलीय फॉर्म में है, अपने विलयन में है। तो अब पानी जो है H2O वो आपको कैसे मिलता है, लिक्विड की अवस्था में तो हमने क्या लगाया, द्रव की अवस्था में तो हमने लगा दिया L। जो आपके पास Fe3O4 बनता है वो भी ठोस है तो ब्रैकेट में इसके साथ छोटा सा हमने क्या लिख दिया, S, जो आपकी ठोस अवस्था को बताएगा। और हाइड्रोजन किसकी रूप में बाहर निकल जाती है, गैस के फॉर्म में। तो अगर आपको इसको ज़्यादा सूचनापूर्ण बनाना है तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, इनकी भौतिक अवस्थाओं को, मतलब अगर आपको समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाना है तो पहला तो हमने बता ही दिया कि आपको क्या लिखनी है वहां पर, उसकी भौतिक अवस्थाओं को। दूसरा आपने क्या लिखना है, अभिक्रिया की परिस्थितियों को, अभिक्रिया की परिस्थितियों को,
परिस्थितियों को कैसे? जैसे किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए किसी ताप की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, क्या भूसे में यानी कि जो तूड़ा है उसमें अपने आप पड़े पड़े आग लग जाती है? आप कहोगे नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आग लगने के लिए वहां पर आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? अग्नि की, कि आप किसी माचिस की तिल्ली से या किसी भी जलती हुई चीज से उसमें आग लगाओ। तो इसका मतलब दहन के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? ताप की। दूसरा, दाब की। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बिना दाब के नहीं हो सकती। जैसे अगर मेरे को किन्हीं दो गैसेस को आपस में अभिक्रिया करवानी हो, जैसे H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब गैस के तो क्या होते हैं, जो अणु और परमाणु हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनको पास लाने के लिए आपको उन पर क्या लगाना पड़ेगा? दबाव, ताकि वो एक दूसरे के पास आएं, एक दूसरे से अभिक्रिया करें और आपको क्या दे दें? उत्पाद। यानी कि यहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? दाब की। और ये दोनों फिर आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? HCl। तो आपको अभिक्रिया की परिस्थिति क्या चाहिए? यहाँ पर दाब। और क्या हो सकता है परिस्थिति में? उत्प्रेरक का होना। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वो पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, को बढ़ा देता है। मतलब जो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उसकी गति को बढ़ाने के लिए आप जिन भी पदार्थों का यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। जैसे मैं यहाँ एक अभिक्रिया लिखती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ। और आपको क्या दे देता है? CH3OH। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? कम से कम 300 डिग्री सेल्सियस तापमान की, 340 एटमॉस्फेयर दाब की, और उत्प्रेरक भी चाहिए। जैसे जिंक ऑक्साइड और साथ में क्या हो आपके पास? क्रोमियम का ऑक्साइड। यहाँ पर ये क्या है? ZnO, मतलब के जिंक का ऑक्साइड। Cr होता है क्रोमियम, तो क्रोमियम का ऑक्साइड। यहाँ पर जो ये दोनों हैं ये किसका काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक का। अगर ये तीनों आपके पास परिस्थितियां नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके मिथेनॉल नहीं बनाएगा। अगर इसी अभिक्रिया में मैं साथ साथ किस चीज को लिख दूं? इनकी भौतिक अवस्थाओं को। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या थी? गैस। हाइड्रोजन भी क्या है आपके पास? गैस। लेकिन जो यहाँ पर मिथेनॉल बनता है वो कैसा बनता है? द्रव। इसलिए यहाँ पर L लगाया, यहाँ पर गैस और यहाँ पर भी गैस। तो अब आपके पास जो ये रासायनिक समीकरण है ये पूरा का पूरा संतुलित अवस्था में है, और ज़्यादा कैसा है आपके पास? सूचना पूर्ण। क्योंकि देखते ही आप इसको बता सकते हो कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है। अब हम एक और उदाहरण की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आप सभी ने पढ़ा हुआ है प्रकाश संश्लेषण यानी के फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो हरे रंग के पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश होना वहां पर अति आवश्यक है,
और क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट का भी वहां पर होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों परिस्थितियां वहां पर नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कैसी होती है, विलयन की फॉर्म में, और वो अपना विलयन किसके साथ बनाती है, पानी के साथ। पानी यहां पर किस फॉर्म में होगा आपके पास, किस अवस्था में होगा, द्रव की अवस्था में। और आपके पास अब यहां पर अवस्थाएं, परिस्थितियां कौन सी होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश और साथ में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट। जैसे ही ये परिस्थितियां मिलेंगी, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और क्या बना देंगे आपके पास, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का आपके पास जो सूत्र है वो क्या होता है, C6H12O6। जो आपको ये ग्लूकोज मिलता है ये भी किस में होता है, विलयन की फॉर्म में। साथ में यहाँ से क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन और जल और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी, यानी कि ऊर्जा भी। तो आपके पास अगर इसमें देखते हो, पूरी की पूरी अभिक्रिया के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें ना हों तो इसका मतलब आपके पास प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। अगर इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने इन दोनों के आगे छः छः लगा दिया, यहाँ पर 12 और फिर यहाँ पर मैंने 12 क्यों लगाया, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितने थे, 12। तो अब यहाँ पर ये कितने हो गए आपके पास, 12 × 24। अब उसको बैलेंस करोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन के सामने भी लगाना पड़ेगा और जल के सामने भी, तो ये आपके पास जो समीकरण है वो कैसा आ जाएगा, संतुलित। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिनमें हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। मैंने यहाँ एक रासायनिक समीकरण लिखा और आपको कहा कि आप इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब इसमें क्या लिखा हमने, मिथेन, CH4 क्या होता है, मिथेन, या इसका एक और नाम क्या होता है, प्राकृतिक गैस। किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ, और आपको क्या मिलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में यहाँ से बाहर क्या निकल जाती है, ऊर्जा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है बेटा कि जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है ऊष्मा के रूप में, वो क्या कहलाती हैं, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं। तो इस अभिक्रिया को देखकर आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि ये अभिक्रिया किस तरह की है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। अब हम इसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। यहाँ देखते हैं कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2। अब आपको यहाँ हाइड्रोजन को 4 करना है तो छोटी पूर्णांक संख्या 2 के साथ हमने क्या किया, इसको भाग कर दिया, इसके साथ लगा दिया, तो आपके पास अब कितना हो गया, 2 × 4 हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो ये और 2 ये 4 हो गया। तो यहाँ 4 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 लगा दोगे। अब जो आपके पास ये पूरी की पूरी अभिक्रिया है वो कैसी है, संतुलित। अब इसको ज्यादा सूचनात्मक बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, प्राकृतिक गैस। जैसे मैंने मिथेन को लिखा तो मैंने इसका एक और नाम बताया, प्राकृतिक गैस, मतलब ये किस अवस्था में आपके पास, गैस की अवस्था में। ऑक्सीजन प्राणदायक गैस है तो इसका मतलब इसकी भी अवस्था क्या है, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस। पानी किस अवस्था में यहाँ जाता है, गैस की अवस्था में। क्यों, क्योंकि जो ऊर्जा निकलती है ऊष्मा के रूप में वो इसको किस में बदल देती है, द्रव से गैस में। धन्यवाद, हम सबका दिन मंगलमय हो।